दोस्तों, एक समय की बात है। एक किसान ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला बहुत चतुर था और उस किसान का एक अच्छा पालतू था। एक दिन जब किसान अपने खेत पर था, किसान की पत्नी ने अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाकर सुला दिया और रस्सी लेकर कुएं पर पानी भरने चली गई। किसान की पत्नी के चले जाने पर वहाँ एक काला सांप बिल में से निकल आया। बच्चा जमीन पर ही कपड़ा बिछाकर सोया हुआ था और सांप बच्चे की ओर आ रहा था। जब नेवले ने सांप को देखा तो सांप के ऊपर टूट पड़ा और उसने सांप को काट कर टुकड़े टुकड़े कर डाला और सांप को मार डाला और फिर घर के दरवाजे पर जाकर बैठ गया। जब किसान की पत्नी घड़ा भरकर लौटी तो उसने घर के बाहर दरवाजे पर नेवले को बैठा देखा। उसने देखा कि नेवले का मुख खून से लगा हुआ है। किसान की पत्नी को लगा कि इसने मेरे बच्चे को काट डाला है और वह बहुत क्रोधित हो गई। उसने बिना घर के अंदर देखे उसने अपने हाथ में जो पानी का घड़ा था वो नेवले के ऊपर फेंक दिया और वो नेवला वहीं पर मर गया। फिर किसान की पत्नी दौड़कर घर में आई। उसने देखा कि उसका बच्चा सुख से सो रहा है और उसके आसपास बहुत खून बिखरा पड़ा है। फिर उसे वहाँ एक मरा हुआ सांप दिखाई दिया। अब किसान की पत्नी को उसकी भूल का अंदाज़ा हो गया था। वह दौड़कर फिर नेवले के पास आई और नेवले को गोद में उठाकर रोने लगी। लेकिन अब उसके रोने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि नेवला तो उसकी क्रोध की अग्नि में भस्म हो चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें क्रोध में कोई काम नहीं करना चाहिए। कोई महत्वपूर्ण फैसला हमें क्रोध में नहीं लेना चाहिए। इसलिए किसी ने कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाचे पछताए, काम बिगाड़ो आप नो जग में रोहत हसाए। दोस्तों, अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आपने कभी क्रोध में ऐसा कोई काम किया है जिसका पछतावा आपको अभी तक है? यदि ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।